हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि किसी भी सिविल केस में निर्णय होने से पहले, डिक्री होने से पहले, जिस पे आपने मुकदमा किया है यानी प्रतिवादी डिफेंडेंट का प्रॉपर्टी कुर्की किया जा सकता है, प्रतिवादी को गिरफ्तार कराया जा सकता है, क्या प्रोविजन है दीवानी कानून में, सिविल जो कानून है वो क्या कहता है, तो इसी पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति कोई सिविल मुकदमा कोर्ट में फाइल करता है तो दूसरे पार्टी को नोटिस जाता है। दूसरे पार्टी को नोटिस जाने के बाद वो कोर्ट में आते हैं। यदि नोटिस के साथ उनको बाद पत्र मिल गया है तो कोर्ट पूछता है कि आप पे जो मुकदमा डाला है वो मुकदमा सही है या गलत है। आप WS इतने दिनों के अंदर फाइल करें। WS मतलब रिटेन स्टेटमेंट, यानी बाद पत्र का जो जवाब होता है, वो जवाब बोलते हैं उनको देने के लिए कोर्ट में, लिखित में, उसे ही WS बोलते हैं, रिटेन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब प्रतिवादी रिटेन स्टेटमेंट कोर्ट में लाता है, केस आगे बढ़ता है, मुकदमा आगे बढ़ता है, कोर्ट में केस पूरा चलता रहता है। उसी दरमियान यानी इन बिटवीन केस चलने के दौरान ही यदि वादी को लगता है कि प्रतिवादी के द्वारा जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है, यदि मैं केस जीतता हूं, वादी केस जीतता है, तो केस जीतने के बाद प्रतिवादी डिक्री का निष्पादन करने में विफल हो जाएगा, डिक्री का निष्पादन ठीक से नहीं करेगा, एडजुडिकेशन जो है वो ठीक से नहीं करेगा, उसको इनसिक्योरिटी फील होती है, तो वो क्या करता है, एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाता है, जिस एप्लीकेशन के तहत जज साहब को ये सारी चीजें बताता है कि मुझे इनसे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, ये डिक्री का सही से निष्पादन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनके प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाए। अब कोर्ट इस पर विचार करता है, कोर्ट प्रतिवादी को भी यानी डिफेंडेंट को भी मौका देता है कि ये जो एप्लीकेशन मूव किया गया है इस एप्लीकेशन का जवाब आप दे, वो जवाब देता है, बहस होती है उस पर। अब बहस सुनने के बाद कोर्ट को यदि लगता है कि नहीं, वादी ने जो बात लिखी है इसमें वो सही है, बहस में सही बोला है, तो उस एप्लीकेशन को अलाउ करके जो प्रॉपर्टी का डिटेल रहता है उस प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। कुर्क करने के बाद आगे बात आती है कि यदि कुर्की उस प्रॉपर्टी का कर लिया गया और प्रतिवादी यदि केस जीत जाता है तो उस प्रॉपर्टी को फिर कुर्की हटाएगा या नहीं। जी हाँ, प्रतिवादी केस जीत जाता है तो कुर्की हट जाएगा। यदि वादी केस जीतता है तो वादी जो रिलीफ के लिए कोर्ट में केस फाइल किया गया था वो रिलीफ यदि दे देता है प्रतिवादी तो ठीक है, नहीं देता है तो कुर्की नहीं हटेगा, यदि दे देता है तो कुर्की हट जाएगा। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। ए और बी दो दोस्त हैं। ए ने बी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे कि इतने दिनों में हम ये पैसे आपको लौटा देंगे। बी जब ए से पैसे मांग रहा है वापस तो ए पैसे देने से इनकार कर रहा है, आजकल कर रहा है, बोल रहा है आज दूंगा कल दूंगा, और पैसे नहीं दे रहा है। बी इससे सुन के परेशान हो गया है। अब बी क्या करता है, ए को अप्रोच करता है एक लीगल नोटिस के थ्रू, एक कानूनी नोटिस, कानूनी सूचना वो देते हैं कि आप 15 दिन के अंदर या महीने दिन के अंदर मेरा जो 5 लाख रुपए उधार लिए हैं वो इंटरेस्ट के साथ भुगतान कर दें, अन्यथा आप पे मैं कानूनी कार्यवाही करूंगा, लीगल एक्शन लूंगा। ए इस नोटिस को प्राप्त करता है। नोटिस को प्राप्त करने के बाद भी बी के पैसे का भुगतान नहीं करता है। अब बी क्या करता है, कोर्ट में रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल कर देता है, यानी पैसे की वापसी के लिए एक मुकदमा कोर्ट में फाइल कर देता है, और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन लगा देता है कि उसके प्रॉपर्टी फलाना प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया था जो प्रॉपर्टी इसी के नाम से है। अब कोर्ट इस चीजों को देखता है, फिर ए को भी मौका रहता है कि उसका जवाब देने का, फिर आर्ग्यूमेंट होता है। अब कोर्ट को लगेगा कि नहीं, बी ने सही बात बोला है, तो
कोर्ट एप्लीकेशन को अलाउ करके एक प्रॉपर्टी को कुर्क कर लेगा। अब इसका प्रोविजन कहाँ है कानून में, मेन चीज ये है। तो प्रोविजन जो है ऑर्डर 38 यानी आदेश 38 में अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट यानी निर्णय से पहले प्रतिवादी के प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने और अरेस्ट का जो है वो प्रोविजन है आदेश 38। अब इसमें कौन से रूल में इसका प्रोविजन है कुर्की का, तो जब आप आदेश 38 के नियम 5 यानी ऑर्डर 38 रूल 5 पढ़ेंगे तो रूल 5 में बताया गया है कि वादी को यदि इनसिक्योरिटी फील होता है कि प्रतिवादी का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को वो बेच देगा, किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देगा, वह प्रॉपर्टी वहां से हटा लेगा, तो उससे पहले ही वो आदेश 38 नियम 5 के तहत एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर देता है कि इसके प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाए क्योंकि ये डिग्री का निष्पादन सही से नहीं कर पाएगा, मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, ये डिग्री के निष्पादन में बाधा डालेगा, बाधा पहुंचाएगा। तो ये होता है कि जजमेंट से पहले भी प्रतिवादी का प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जब केस का पूरा फैसला हो जाएगा, डिक्री हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही प्रॉपर्टी अटैच किया जाएगा एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद, ये कोई जरूरी नहीं है। केस डला, केस चलने के दौरान भी यदि वादी को लगता है कि ये बाधा डालेगा डिक्री होने के बाद, कोर्ट को वो बताता है और कोर्ट अलाउ कर सकता है एप्लीकेशन को और प्रतिवादी के प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, कुर्की कर सकता है। फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताना, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। आप मुझसे यदि किसी भी लीगल टॉपिक पे सलाह लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात करके सलाह ले सकते हैं, लेकिन ये पेड सर्विस होगा, इसके लिए आपको फी का भुगतान करना पड़ेगा। और कंसल्टेंसी का समय जो है सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।